to be a mechanical engineer in Punjab Engineering College, Technical University. There was a ragging car. 6 months before, I was in Singapore. Seminar International, World Will Be Conflicts or World Will Be Without Conflicts. Then I had to start the seminar. Ultimately, I had to conclude also. So I have asked one thing. I can speak in English. I can speak in Hindi. I can speak in Urdu, Farsi, and I also can speak in Punjabi. If I will speak in one language, people will call me, I am a fundamentalist and commoner. If I will speak in all languages, definitely people will think I am a secular man. So I am a secular man, so I will speak in multilinguistic. तो पहला मैं नकल मारकर करूंगा, अकल से नहीं है वो काम. So I start to welcome you, सोदरा, मरियू, सोदरी, मनु, लक्कू. मैंने ठीक नकल मारी, नकल मारी. My dear brothers and sisters, by your guidance. In 1966, by my seniors, they start ragging me in one day, in the night. They have asked me one question. Go to the market, purchase the 5 yard of the milk. 5 meter, 5 yard milk खरीद कर लाए. I thought seniors are something mental case. But they are not mental case, they are intelligent case. Second, boss is always right. But how to purchase 5 yards or 5 meters of the milk? I have never read, I have never listened. I am not giving this lecture to rag you in the beginning. Just I am. मैं मेमोराइज कर रहा हूँ जब मैं आपकी एज में था. थोड़ी देर के बाद वी 2-3 स्टूडेंट्स केम. हमने उनको एक बर्तन दिया और कहा इट इज एन 5 yard का मिल्क. दे आर सुपर इंटेलिजेंट. इट इज 5 yard और नॉट, बट दे आस्क्ड हाउ यू परचेज 5 yard ऑफ द मिल्क. हमने कहा वी हैव गॉन टू द हलवाई. इधर क्या कहते हैं तेलुगु के अंदर हलवाई को समझ गए होंगे जहाँ मिठाई मिलती है. तो इसलिए हमने उसको कहा कि वी आर इन ए ट्रबल, वी नीड 5 meter ऑफ द मिल्क, 5 yard ऑफ द मिल्क. ही गॉट एंगर्ड और कहने लगा ऐसा मूर्ख प्रश्न और ऐसा मूर्ख आदमी मुझे पूरी जिंदगी में कोई नहीं मिला. Be careful. There is a one lesson in this subject. जब आदमी बहुत क्रोध में होता है, नफरत में, hatredness में होता है, angerness, hatredness में, when he start speaking loudly, ये जब 3 stage मिल जाती हैं, at that time all the points which the receiving points they चौक. जो receiving point होते हैं चौक हो जाते हैं. इसलिए जब आदमी गुस्से में हो, नफरत में हो और ऊंचा बोलता हो तो कभी समझाइए नहीं. अगर समझाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके समझने के सब पॉइंट्स चौक हो जाते हैं. जो लोग उस समय में समझाने की कोशिश करते हैं तो कभी संवाद नहीं होता, हमेशा फाइट होती है. पति पत्नी होंगे तो तलाक हो जाएगा, दोस्त होंगे तो दुश्मनी में बदल जाएंगे. इसलिए बी केयरफुल इन योर लाइफ. उस समय में समझाइए नहीं, ढाल दीजिए. अब हमारा हलवाई गुस्से में आ गया, थोड़ा ऊंचा बोला और मूर्ख था हम लोगों को, तो क्या करना, दूध तो इसी से लेना है. फर्स्ट मूर्ख हैं जो कॉलेज में बैठे हैं. दे आर गिवन ए जॉब कि गो एंड परचेज द 5 लीटर ऑफ द मिल्क। दूसरे हम महामूर्ख हैं जो उनकी बात मानकर दूध लेना है कि इसने थोड़े थोड़े मूर्ख तुम भी हो जिसने हमें दूध देना है। तो सब मूर्ख मिलकर कोशिश करते हैं देयर कैन बी ए सोल्यूशन। तो वो थोड़ा मुस्कुरा दिया तो उन्होंने कहा कि साहब आप बता दीजिए आई विल गिव यू द मिल्क। यानी 52-54 ईयर्स बिफोर जो उस समय हमें उत्तर आया वो मैं बताता हूँ। हमने कहा ये हमारा बर्तन है ठीक है न्यूटेंशन इन योर अटेंशन यू हैव ए 10 ग्राम ऑफ द मिल्क। अपने बर्तन में 10 ग्राम लीजिए हमारे बर्तन से लगाइए एक गज ऊपर ले जाइए और पलट दीजिए और इट 1 यार्ड डू इट 5 टाइम्स इट विल बी 5 यार्ड ऑफ मिल्क। मैंने आप सबके बीच में इसको याद क्यों किया भाई है मेमोराइज्ड। व्हेन वी थिंक क्वेश्चन इज टू अस आई हैव टू आंसर देयर विल बी टेंशन there will be danger, there is a loss of confidence. When you think, I am a part and parcel of God, Almighty Ishwar. He is in with me, I am in Him. Who will answer? The God will answer. God has every solution for every problem. जब ईश्वर से विश्वास उठता है, आदमी को लगता है मुझे उत्तर देना है, तो उस समय वो टेंशन में आ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी ए बिलीवर। बिलीवरनेस ऑलवेज गिव्स एन आंसर टू एवरी प्रॉब्लम। आई रिमेन इन जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1983 टू 2000। देयर इज ए ग्रेट हाइट ऑफ द टेररिज्म। टेररिस्ट ट्राइड मी टू 3 बार उन्होंने मेरा अपहरण करने की कोशिश की, 2 बार मुझे मारने की कोशिश की। अगर वो सफल हो जाते तो मैं भाषण देने नहीं आता, आपका भी प्रॉब्लम नहीं होता भाषण से, परंतु दे हैव नॉट गॉट सक्सेसफुल बिकॉज आई एम ए बिलीवर। तो बिलीवरनेस की ये स्ट्रेंथ है। जिंदगी में स्ट्रेंथ को हमेशा एंजॉय करिए और कलेक्ट करिए। आज अपने सामने जो सब्जेक्ट है कमिंग टू दैट सब्जेक्ट, आप सबको देखकर ऐसी इच्छा कर रही है वी शुड प्ले 1-2 गेम्स विद यू। आई विल प्ले। कुर्सी पर बैठेगा ना, कहीं जाना नहीं, भागना दौड़ना नहीं है। तो इफ यू से यस देन आई विल एक्सप्लेन द गेम। चलेगा? तो बड़े भी खेलेंगे छोटे भी खेलेंगे, पर खड़े भी खेल सकते हैं बैठे भी खेल सकते हैं। वी विल प्ले ओनली 1 गेम। नेम ऑफ द क्रिकेट इज मुस्कुराइए क्रिकेट यानी स्माइलिंग क्रिकेट। आई विल बॉल, मैं बॉल करूंगा। ऑल ऑफ यू एट द सेम टाइम विल बैट। अब बैट आपके हाथ में नहीं है, परंतु घर में बुजुर्ग लोग पढ़े लिखे लोग एक नसीहत देते हैं। They given 1 light and message. अगर तुम हाथ चलाओगे हाथ पैर चलाओगे तो मारपीट हो जाएगी, अगर अपनी टंग चलाओगे जीवा चलाओगे तो झगड़ा हो जाएगा। अच्छे लोग ना हाथ पैर चलाते हैं ना जुबान चलाते हैं, उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो इसलिए बैट आपके हाथ में नहीं है, हाउ यू विल बैट। एंड मेरे हाथ में बॉल नहीं है, हाउ आई विल बॉल। There is a new way. I will ball in counting 1, 2, 3. I will throw 10 balls. यानी 10 की गिनती तक मैं बॉल फेंकूंगा। You have to bat. So you will bat in laughing and smiling. मैंने पहली बॉल फेंकी 1, तो आपका बैटिंग क्या होगा? हा हा हा। जब I will throw the 2nd ball, तो more loudly. Then 3rd, more loudly. Then I will ask a last ball 10. तो इतना जोर से मुस्कुराना है और गड़गड़ाना है कि चौका और छक्का दोनों एक साथ हैं। तो you are ready to bat? So I am starting my ball. ठीक है? गेम का नाम है मुस्कुराइए। चलो 1, 2. तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। It is not land only, it is a motherland. If it is land, ये बेची और खरीदी जा सकती है, but if it is motherland, it can't be compromised. कहते हैं जमीन खरीदी और बेची जा सकती है, मातृभूमि के लिए बलिदान किया जाता और संघर्ष किया जाता, उसका सौदा नहीं किया जाता। मातृभूमि के लिए मरने में लोगों को खुशी महसूस होती है। इसलिए we are thinking it is not land only, it is a motherland. Second, we are not only a citizen of the nation. We all are brothers and sisters, so we are one of the nation. इसलिए we are not simply a citizen of the nation, we are nationalists of the nation. ये जब चेंज आता है तो उसमें से क्या होता है? हम सब यहाँ बैठे हैं, मेरे और आपकी शिक्षा का, विकास का, सुरक्षा का, स्वतंत्रता का, सम्मान का, रोजगार का, धन का, इसका गारंटर कौन है? यू फील डीजीपी इज गारंटर, यू फील चीफ सेक्रेटरी इज गारंटर, यू कैन से चीफ जस्टिस इज गारंटर, you can say vice chancellor is a guarantor, you can say your mother and father are guarantor, you yourself is a guarantor, we and you is a guarantor. Either the chief minister is a guarantor, no, either the one chartered accountant, one senior cancer specialist is a guarantor, no. हमारी स्वतंत्रता का, सम्मान का, विकास का, शिक्षा का, रोजगार का, इसका गारंटर कौन है? तो आप बहुत जल्दी से उस गारंटर को ढूंढ सकते हैं, फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर कास्ट, फ्रॉम योर रिलीजन, फ्रॉम योर स्टेट. मैन ज्वाइंस टू द आर्मी. एक नौजवान जब आर्मी को ज्वाइन करता है, वेयर ही स्टैंड्स टुडे, वो ग्लेशियर में खड़ा है जहां -40 डिग्री टेम्परेचर है, सामने से चीनी गोली है, वह +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में खड़ा है, सामने से पाकिस्तानी गोली है. जिस ठंड में वो खड़ा है तो उसका शरीर गल रहा है, जिस धूप में वो खड़ रहा है उसमें उसका शरीर झुलस रहा है, पर वो ट्रांसफर नहीं मांगता, वो लीव नहीं मांगता है, वो ये नहीं कहता है देयर इज अ डेट प्रॉब्लम सो प्लीज शिफ्ट मी एनी अदर डे. बल्कि उस समय में मेरे और आप गांव का वो नौजवान पहले सामान्य भारत माता की जय बोलता, फिर जोर से भारत माता की जय बोलता, वो और जोर से इनकलाब जिंदाबाद बोलता है. जब सामने से चीनी और पाकिस्तानी गोली आती है तो वो उससे भागता नहीं है, वो भी एक गाना गाता है. वो चीनी और पाकिस्तानी गोली को कहता है, एज आई लव माई वाइफ आई आल्सो लव यू वेरी मच. वो गोली को कहता है आई लव यू वेरी मच, गोली उसके सीने पर लगती है, वो मर जाता है. वाई ही डाइज? उसको क्या मिला? माता पिता उसके बेसहारा, उसकी बीवी पत्नी वाइफ वो विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए और वो जवानी में मारा गया. जिस दिन इस बलिदान को हम अपनी सीमा से हटा देंगे, हम सब गुलाम हो जाएंगे. हमारी स्वतंत्रता, हमारा सम्मान, हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारा विकास, हमारा धन वैभव, ये इट विल बिकम एन स्लेव, इट विल बिकम, ये किसी के अत्याचार और पीड़ा में चला जाएगा. तो इसलिए द ग्रेट सेक्रीफाइसेस मेड फॉर द नेशन एंड द सोसाइटी इज द ओनली गारंटर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, etc. etc. You all or myself are the consumers, but we are not the guarantors. Guarantor is the sacrifices. जब guarantor sacrifices है, तब भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ा, वो रो नहीं रहा था, मुस्कुरा रहा था। जब चंद्रशेखर आजाद गोलियां खा रहा था, तो रो नहीं रहा था, वो जोर से इनकलाब जिंदाबाद बोल रहा था। वो उस समय गाना गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अस्फाक भी चिल्लाकर कहता है, मुझे बार बार जगह मिले इस बात के लिए मिले, आई थ्रो द ब्रिटिशर्स, आई थ्रो आउट द फॉरेनर्स फ्रॉम माई मदरलैंड, क्योंकि इट इज नॉट लैंड ओनली, इट इज अ मदरलैंड। वी आर नॉट ओनली ए सिटीजन ऑफ द नेशन, वी आर नेशनलिस्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द नेशन। We are one nation, one people. हम अलग अलग पीपल नहीं है, वी आर वन नेशन वन पीपल। इसलिए तेलंगाना का आदमी भी कश्मीर में गोली खाता है, केरल का आदमी भी आसाम में गोली खाता है, क्योंकि वो कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक मानता है इट इज माई नेशन, I belongs to that nation, I am a son and daughter of that nation. और ये मेरा पालक है। इसलिए केरल का आदमी भी वहां मरता है, तेलंगाना और आंध्र का भी मरता है, चेन्नई का भी मरता है, वहां जाकर तमिलनाडु का भी मरता है, वहां जाकर महाराष्ट्र गुजरात का मरता है, हिंदुस्तान के हर आदमी। और जो वहां मरता है हम उसको सैल्यूट करते हैं, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। और इसलिए दोस्त हु लिव एंड डाई फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल, टाइगर, टाटा और बिरला, दे आर मिलियनर्स, वो बहुत बड़े पदों पर हैं, बट नोबडी गो टू द मार्केट एंड से कि हमें इनका फोटो चाहिए ताकि घर में लगा ले। You try to be engineer, but you never purchase the photo of the engineer. Why? They are respected men, but they are not worshipped men, because they are only a professional. Professional never worshipped, professional always respected. But man with mission is always worshipped, not only simply a respected. इसलिए सुभाष है, IAS था, पर प्रोफेशनल नहीं, नेशनलिस्ट था, इसलिए वो वर्शिप होता है। बापू लॉ थे, पर वकील के नाते नहीं, एक नेशनलिस्ट के नाते वो वर्शिप होते हैं। डॉक्टर हेडगेवार, विवेकानंद, दयानंद, यू थिंक ऑफ अस। इसलिए मैं कहा करता हूं, पैकेज विदाउट पैट्रियोटिज्म makes the man, society and nation slave. Education without moral values makes the man criminal. Income without welfare makes the man corrupt. We are not born to be a corrupt, criminal and slave. We are born, हम इस बात के लिए born हुए हैं कि हम बनेंगे और देश को बनाएंगे। इसलिए जो देश के लिए जिंदा रहते और मरते हैं उनकी पूजा होती है, जो स्वार्थों के लिए जिंदा रहते हैं वो बड़े हैं इसलिए उनका सम्मान होता है। तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक क्या है गलत क्या है, इसको कभी भूलना नहीं। We can follow that or we can't follow that, that is the another thing. But we know the right and wrong. We know the truth and lie. हम सत्य और असत्य को, सही को और गलत को जानते हैं, हम फॉलो कर पाएंगे नहीं कर पाए, that is the another thing. But we don't know what is right and what is wrong. How we can follow? If we want to be. Isliye, when I passed my mechanical engineering in 1970 from Punjab Engineering College, our all 100% batch made war in within 3 months to 4 months they got applied. मैं जब निकला इंजीनियरिंग कॉलेज से, before the result, I had been selected by Bhakda and another firm. मेरा selection हो गया था. पिताजी चाहते थे I should be industrialist, तो इसलिए वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का प्लान कर रहे थे. मैंने IAS का फॉर्म भी भरा और M Tech का भी भरा. God asked me, where you are going to be simply a professional? Why not you should be a nationalist with professionalism? तो मेरी भगवान ने ना मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनने दिया, ना IAS बनने दिया, ना M Tech होने दी और ना ही एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए रास्ता दिया. I got all the four opportunities in front of me in 1970 to go ahead. परंतु there is an RSS through that I should serve the people, I should serve the nation. So I am in front of you. इसके कारण आपके साथ. अब हम यहाँ पर हैं, तो कुछ बातें सोचें. वो कौन सी बातें हैं? तो मैंने नेशन के प्रति कहा, ऐसे सोसाइटी के प्रति. सभी खुशी से कुछ गा रहे थे. 5,200 years before there is one great king. वो उतना ताकतवर राजा था. चरित्र से भी और बाकी चीजों से भी. ऑल द यूनिवर्स केम टू बीट हिम. यूनिवर्स के जितने भी बड़े बड़े सम्राट थे, करोड़पति नहीं, अरबपति और शरणपति, सामान्य विद्वान नहीं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक. इतना ही नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े शूरवीर लोग थे. एवरीबॉडी कम्स टू हिम टू गो एंड टू मीट. तो उसके मन में भी आया कि आई शुड आल्सो बी. तो एक दिन वो भी अपने दरबार से और महल से चले मिलने के लिए. पर जिसको मिलने के लिए गए वो आदमी बड़ा विचित्र था. उसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, नंगे बना था. भूख में जाने के लिए रोटी नहीं थी, इसलिए एक समय भी मुश्किल से रोटी थी. सिर छुपाने के लिए रूफ नहीं था, छत नहीं. पढ़ने के लिए कॉपी किताब पेन फीस नहीं. पढ़ने पढ़ाने बीमारी आ गई तो दवा नहीं. धरती का बहुत पिछड़ा और गरीब आदमी. कहते हैं कि बड़े अजीब सम्राट थे. सारा जगत उनको मिलने आता है और वो ऐसे आदमी को मिलने गए. वो सम्राट कौन था? दुनिया उसको कहती है दैट वाज लॉर्ड कृष्ण. और लॉर्ड कृष्णा जिसको मिलने के लिए गए थे, जो सबसे गरीब और पिछड़ा आदमी था, उसको दुनिया कहती है दैट वाज सुदामा. मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जो मुझे और आपको कुछ पढ़ने के लिए टीचिंग देगा, और वो कौन सी है? बड़ा आदमी है, उसके साथ आप फोटो खिंचवाइए, ताली बजाइए, आपका सम्मान बढ़ेगा, थोड़ा आपका रोब भी बढ़ेगा. वो रोब आपका नहीं है, वो जिस बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचवाई है, रोब उसके कारण अपना बढ़ता है. परंतु जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, अपाहिज है, विकलांग, जिसको दिव्यांग का भारत के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा स्टेटस अपाहिज को दिव्यांग के रूप में प्रधानमंत्री ने दिया. वी कैन थैंक यू. इसको दुत्कारिये में प्यार करिए, इसका सम्मान करिए, उसको मदद दीजिए. इसमें से भी आपको एक सुख मिलेगा जिसको पुण्य कहते हैं. सम्मान के सुख से रौब मिलता है, परंतु पुण्य के सुख से स्वर्ग मिलता है. परंतु बड़े आदमी के साथ का फोटो आपको कोई पुण्य नहीं देगा. इसलिए जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, लव इट, रिस्पेक्ट इट एंड हेल्प इट. वो आपको पुण्य देगा, नर्क का दरवाजा बंद करेगा, स्वर्ग का खोल देगा. बड़े आदमी के साथ का फोटो और शेक है, आपको सम्मान का रोब देगा, परंतु पुण्य नहीं देखा। वी शुड अर्न बोथ और वी शुड अर्न वन। मैंने आप सबसे पूछा इन योर लाइफ व्हेन यू आर टीचिंग आइदर यू आर लिसनिंग, तो आप विद्यार्थी रहते हो और बड़े होकर दोनों रिस्पेक्ट को अर्न करेंगे कि एक को करेंगे? वट इज योर गोल? आपका गोल कौन सा होगा? केवल बड़े आदमी के साथ का सम्मान इसको अर्न करेंगे कि जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, उसको प्यार करके मदद करने वाला पुण्य भी प्राप्त करेंगे। तो यू अर्न गो वन और यू विल अर्न बोथ। तो मैंने पूछा क्या करोगे, तो बताओ। जो ये कहते हैं बोथ, वो हाथ खड़ा करें कि हम रिस्पेक्ट भी अर्न करेंगे और पुण्य भी अर्न करेंगे, दोनों अर्न करेंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे। भारत माता की। बोलने में कंजूस नहीं होना, कंजूस आदमी बहुत निकम्मा। माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपकी नगरी के अंदर हमारा एक मित्र है, वो भी याद करता रहता, मैं भी याद करता रहता, पर हम कभी मिले नहीं। जिसको राजनेता ओबीसी कहते हैं, मैं भी उसको समय समय पर याद करता हूँ, वो भी मुझे प्यार से याद करता। इतना पता है हम याद करते हुए डिसरिस्पेक्टिव नहीं है। उसने एक बार कहा हैदराबाद में, हम मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत माता की जय हिंद। उसके बाद दोबारा उसने स्टेटमेंट में, मैंने उसको अच्छा मैसेज भेजा। मैंने कहा अगर उर्दू और फारसी में नारा लगाना हो अपने देश का, तो एक बार नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा मादरे वतन हिंदुस्तान, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान, इट इज इन उर्दू और फारसी। अब अगर हमें अंग्रेजी में नारा लगाना है, तो मैं कहूँगा सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया मदर इंडिया, सैल्यूट टू मदर इंडिया। अगर आपको हिंदी में नारा लगाना है, तो मैं कहूँगा भारत माता की, आप बोलेंगे जय भारत माता की। अगर आपको संस्कृत में नारा लगाना है अपने मुल्क की जिंदाबाद, मैं कहूँगा वंदे, आप कहेंगे मातरम वंदे। यू चैंटेड इन फोर लैंग्वेज, सैल्यूटिंग टू आवर मदर लैंग्वेज, योर मदर लैंग्वेज, इन फोर लैंग्वेज। ये सब समानार्थी है। दूसरी बात, जो कुरान शरीफ जानते हैं, कुरान शरीफ पढ़ा है और मानते हैं, कुरान शरीफ के अंदर एक बहुत सुंदर बात है। इफ देयर इज ए हेवन, इफ देयर इज एन जन्नत, इफ देयर इज एन स्वर्ग, वेयर इट लाइज। तो इसकी 6-7 बातें नहीं है, उसमें से कोटेशन है, वो है माँ के कदमों में जन्नत। ये नहीं कहा है वालिदा के कदमों में जन्नत है, ये भी नहीं कहा कि मदर के कदमों में जन्नत है, ये भी नहीं कहा अम्मी जान के कदमों में जन्नत है। कुरान शरीफ में इसके लिए केवल एक ही शब्द उपयोग किया गया, माँ। अब जो मुसलमान माँ शब्द को नहीं मानता है, वो एंटी कुरान और एंटी रसूल हो गए। तो मैंने ओबीसी को इतना ही संदेश भेजा, कट्टर होने से पहले इंसान होना, इंसान होने के साथ साथ सच्चा हिंदुस्तानी और सच्चा मुसलमान होना। तुझे कुरान शरीफ भूल गई, इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो वो सच्चाई और अच्छाई को देखने लगा। मैंने कहा इसलिए कुरान शरीफ में खुदा ने रसूल के थ्रू नाजिल करवाया, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ अरबी और फारसी के अंदर भी स्वीकार है, वैसे मूल ये संस्कृत और भारत की सब भाषाओं का शब्द है। तो इसलिए जब मैंने ये संदेश भेजा कि तुमने ये कहा, मैं भारत माता नहीं कहूंगा, मादरे वतन कहूंगा, भारत हिंदुस्तान को मादरे वतन कहेगा उर्दू फारसी में, पर भारत माता कहने में झिझकेगा। और माँ शब्द कुरान शरीफ के अंदर सबसे अधिक महत्वपूर्ण। तो जो माँ शब्द से परहेज करे और माता शब्द से परहेज करे, वो एंटी रसूल है, एंटी कुरान है। और इसलिए वहाँ वालिदा शब्द नहीं है, वहाँ शब्द अम्मी जान भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, मदर भी नहीं है। कुरान शरीफ जो अरबी में ही है उसमें वहाँ पर कोई दूसरी भाषा का शब्द नहीं है, केवल माँ शब्द। और इसलिए जो माँ को स्वीकार नहीं करता वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो प्रो कुरान और प्रो रसूल नहीं हो सकता, वो एंटी खुदा है। परंतु कुछ लोग ऐसे कट्टरता है परोसते हैं, उनका काम है कि मिलकर नहीं रहो, लड़कर रहो। उनका धंधा है प्यार से नहीं रहो, नफरत से रहो। उनका रास्ता है गुस्से में रहो, हंसकर मत रहो। उनका रास्ता है देश एक नहीं हो, शांति नहीं हो, इसमें झगड़े होते हैं। ऐसे नेताओं के लिए मैं हमेशा सभाओं में प्रार्थना किया करता हूँ, खुदा उनको सद्बुद्धि दे, हमें दुर्बुद्धि ना दे। अगर दुर्बुद्धि उन्होंने इकट्ठी करनी है तो हमसे भी ले लें ताकि हम पाक साफ रहें। और इसलिए दूसरा स्टेटस है और दूसरे स्टेटस के साथ तीसरा एक स्टेटस है। वो स्टेटस कैसा है? औरत के बारे में, बेटी के बारे में कहते हैं दुनिया में दो ही संसार है, एक खुदा का संसार है जिसमें नर्क स्वर्ग, एक धरती का संसार है। मैं और आप जब खुदा के, ईश्वर के, भगवान के घर से चले तो खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने, वाहेगुरु ने कहा देख रास्ते में एक नारी होगी, महिला होगी, वोमेन होगी, तू पहले उसकी कोख में जाएगा। मुझे भी आना होगा तो मैं भी उसी की कोख में जाऊंगा और फिर उसकी कोख से निकलकर हम धरती की गोद में आएंगे। इसके अतिरिक्त दुनिया में पैदा होने के लिए कोई रास्ता नहीं। इसलिए हर बेटी कल की माँ है। जब उसके बिना कोई जन्म ही नहीं ले सकता तो फिर भ्रूण हत्या और बलात्कार, तलाक और ट्रिपल तलाक, नशे में उसके ऊपर जुल्म, उसको सौतेला मानना, उसके निकाह में और विवाह में उसकी सौदेबाजी दहेज के रूप में करना, इसलिए इस्लाम में भी कहा है, सनातन में भी कहा है, जैनिज्म में भी कहा, बुद्धिज्म में भी कहा, ईसाईयत में भी कहा, रिस्पेक्ट द डॉटर यानी और वोमेन। इफ यू विल रिस्पेक्ट यू विल ए गुड मैन, इफ यू डिसरिस्पेक्ट यू विल बी ए बैड मैन यानी शैतान। तो इसलिए बेटी बोझ नहीं, बेटी सौभाग्य है। तो अब हमारा मूवमेंट ये होना चाहिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी पक्का चलेगा कि उसको तलाक और ट्रिपल तलाक करके शैतान का काम करेंगे। मैं कहा करता हूँ किसी के दिमाग में शैतान आकर तलाक कराए तो ठेके वाली बोतल को कहो तलाक तलाक तलाक, उस बीवी को काहे को कहते हैं जिसको खुदा ने कहा है जिसके पैर में जन्नत है। तो जन्नत का दुश्मन नहीं होना चाहिए, इसलिए तो इसलिए होना चाहिए। तो मैंने जो आज का सब्जेक्ट है उसके लिए बेसिक तीन चीजों को पक्का किया। एक, वी आर नॉट ओनली द सिटीजन ऑफ द नेशन, We are real brothers and sisters of the nation. इसलिए एक इंच भारत घटे ने, एक जन भारतीय मरे ने। अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो मैं सब्जेक्ट तो पढ़ा दूंगा, आप थोड़ी देर के लिए एनलाइटमेंट होंगे, परमानेंट एनलाइटमेंट नहीं मिलेगी। इसी का बेसिक प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजर्स की भी है, इसलिए बच्चे लेकर चीन पर बोले, उनको गलत फहमी होगी, शायद मैं भटक गया, मुझे लगा कि ये भटकने लगे थे, ये भी ठीक आ जाएंगे। हम सबका रिलेशनशिप क्या है, नहीं तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मूवमेंट्स को बढ़ा रहा है। इसलिए कभी आंध्र तेलंगाना लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे जैसे दुश्मन, कभी साउथ और उत्तर ऐसे लड़ेंगे जैसे एक दूसरे के खून के वाशिंदे हैं। वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, सो वी आर वन। अगर ये कंसेप्ट नहीं है तो समाज लड़ता रहेगा और देश भटकता रहेगा। इसलिए मैंने उसमें से पहला कहा, अगर आपकी और मेरी जमीन ही अच्छी नहीं है तो मैं कहा करता हूँ इंजीनियर बनेगा पत्रक इंजीनियर बनेगा, पुलिस अफसर बनेगा, चांसलर बनेगा, पर अपराधी बनेगा। मैंने इसलिए परीक्षा पढ़ाई नहीं की है कि मुझे करप्ट और क्रिमिनल बनना है, इसलिए पढ़ा है कि मुझे ऑनेस्ट और मुझे काम करके अपना और देश का नाम चमकाने वाला है। दिस शुड नॉट बी शेमफुल टू अवर मदरलैंड एंड द नेशन। आज देश के अंदर ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, नहीं तो भारत के प्रधानमंत्री को ये क्यों समझाना पड़ता है कि साहब खाने के बाद वेस्ट को सड़क पर मत फेंकिए। मुझे और आपको तो नहीं समझना, मुझे और आपको ये समझाना पड़ता है कि पाकिस्तान और चीन कितना खतरनाक है। ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन ये बड़ा विचित्र है। हमारा कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, हमारा कोई मेडिकल सब्जेक्ट, हमारे जितने सोशल साइंसेज है, कोई नहीं बताता बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, रिग्रेट करनी चाहिए। बताओ कोई बताता है? नहीं है। अपनी धरती से, भारत से प्यार करना चाहिए, इसके लिए मरना और जीना चाहिए। बताओ केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंजीनियरिंग के किस सब्जेक्ट में? किसी में नहीं। फिर कैसे करो? तो इसलिए लव टू द मदरलैंड, इट इज द सुप्रीम अनलेस वी विल बी स्लेव। परंतु मैंने मैकेनिकल किया, किसी ने इलेक्ट्रिकल किया, किसी ने सिविल किया, किसी ने कुछ IAS। मैं उनसे पूछता हूँ कहाँ है? इसलिए नहीं है। झंडा जल गया, हमारा खून नहीं खोलता। आक्रमण कर दिया और किसी ने मुझे भड़का दिया हरियाणा फर्स्ट, तो मैं सब भूल जाता हूँ, देश हरियाणा फर्स्ट में लड़ जाता हूँ। इसलिए इस बात को समझना, हमारे धरती पर, हम पर सीधे दो हमले अंदर और बाहर हैं। एक फ्रॉम पाकिस्तान साइड, सेकेंडली फ्रॉम चाइना साइड। मैंने बिगिनिंग में उसका बीजारोपण कर दिया था ताकि आपको ध्यान में रहे कि फर्स्ट पैराग्राफ को मैं अंतिम पैराग्राफ में इस्तेमाल करूंगा। सामने खड़ा है चीन की गोली के सामने खड़ा। मुझे और आपको अगर गांव में भेज दिया जाए तो हम नर्वस हो जाएंगे और पेट में सिर दर्द कर लेंगे, माँ बाप को बीमार कर लेंगे, हर हालत में ट्रांसफर करेंगे। बिकॉज वी डोंट वांट टू सर्व द नेशन एंड सोसाइटी, जस्ट वी वांट टू एंजॉय अवर पोजीशन। ये नहीं चलता। तो देश है, हम चाहेंगे जापान जैसा बन जाए, अमेरिका जैसा बन जाए, रूस जैसा बन जाए, जर्मनी जैसा बन जाए। वो इसलिए प्रॉस्पर नहीं है कि वो प्रॉस्पर है, उनका बेसिक इंस्टिंक्ट है, दे आर पैट्रियट, दे आर डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन और पैट्रियटिज्म को निकाल के जापान नहीं रहेगा, जर्मनी नहीं रहेगा, फ्रांस नहीं रहेगा, इंग्लैंड नहीं रहेगा, अमेरिका नहीं रहेगा, रूस नहीं रहेगा, चीन नहीं रहेगा। हमने ये दो बेसिक इंस्टिंक्ट लाए हैं, इसलिए भारत नहीं बन पा रहा। अगर हमने लाए होते तो भारत बहुत आगे निकल जाता और हम सुपर लीडर, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। 1947 में पाकिस्तान जन्मा, उसने कहा हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़ कर लेंगे हिंदुस्तान। 70 साल से वो भारत पर अंदर और बाहर से बमबारी, पत्थरबाजी और गोलाबारी कर रहा है। 70 साल हो गए, मुस्लिम मोहल्ला भी मिनी पाकिस्तान कहलाता, वो अभी तक हिंदुस्तान नहीं है। आपके हैदराबाद का हर मुस्लिम मोहल्ला मिनी पाकिस्तान माना जाता है कि नहीं माना जाता? इट इज ट्रू, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। वो हिंदुस्तान क्यों नहीं माना जाता? 70 साल के बाद भी उसको मिनी पाकिस्तान बोलते, इसे रहने वाले पाकिस्तान नहीं मानते। इट सेल्फ वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भारत को 5 बार हमला किया है, भारत के लाखों लोगों का कत्ल किया है। इसलिए भारत ने पिछले 2 साल में 70 साल की पूरी पॉलिसी बदली। पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया, 39 आतंकी मरे, 6 ट्रेनर मरे आर्मी ऑफिसर। भारत ने कहा देख भाई, हम चाहो तो युद्ध कर सकते हैं और तुझे सबक सिखा सकते हैं। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री मास्को से चले, आना दिल्ली था, वाया लाहौर आए। किसी ने पूछा आप विदाउट इन्फॉर्मिंग और विदाउट वेल गार्डेड सिस्टम आप लाहौर क्यों गए? उन्होंने कहा 47 से पहले हम जाते थे, हम जब चाहेंगे लाहौर आकर बैठ सकते हैं। हमें पाकिस्तान को और दुनिया को बताना था कि लाहौर में आकर हिंदुस्तान का बैठना इतना आसान है, इसलिए सोचा चलो वाया लाहौर जाए, दुनिया को बता दें लाहौर हमारा था, जब चाहेंगे हम लाहौर में आकर बैठ सकते। अब पाकिस्तान को सोचो, पाकिस्तान के अंदर सिंधी, पख्तून, बलूच, मुजफ्फराबादी, गिलगित बाल्टिस्तानी, ये सब पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। पाकिस्तान बनाया था बी केयरफुल, हैदराबाद को विशेष कह रहा हूँ, शाम को भी कहने वाला। जिधर इधर के तेलंगाना और आंध्र के जो मुसलमान पाकिस्तान बनाने में गए थे, बढ़ चढ़कर हिंदुस्तान का विभाजन। निजाम भी भटक गया था, उसने भारत ज्वाइन नहीं किया, बहुत मुश्किल से ज्वाइन किया। तो पाकिस्तान ने 4 साल पहले एक रेजोल्यूशन पास किया कि पाकिस्तान का नागरिक कौन होगा। जितने हिंदुस्तान से मुसलमान गए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, उन सबको उसने एक कलम में शरणार्थी घोषित कर दिया। They are not really Pakistanis, ये displaced from हिंदुस्तान है, सब शरणार्थी। आज पाकिस्तान को बनाने वाले जितने मुसलमान थे उनके बच्चे ना पाकिस्तान के नागरिक है ना हिंदुस्तान के नागरिक है, वो शरणार्थी कर दिए पाकिस्तान। It isn't Pakistan। उस पाकिस्तान की मदद पर चीन आए। चीन दुनिया का एक बड़ा देश है। चीन के पास 2 ताकतें हैं, एक आर्थिक ताकत है, एक सैनिक ताकत है। ये दोनों ताकतें राक्षसी मानी जाती है, अहंकारी मानी जाती है। तो हिंदुस्तान की सरकार ने 6 काम कर दिए। पहला, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर चीन और पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। आप 6 नाम लिखना, 5-6 नाम, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, और दुनिया के 200 से अधिक देश हैं। अब चीन ऐसी जगह खड़ा है जिसका कोई भी मित्र देश दुनिया में नहीं, और पाकिस्तान भी एक ऐसा देश है जिसका कोई मित्र देश नहीं। अमेरिका के और रूस के कुछ मित्र देश हैं। दुनिया में 100 से अधिक, अप्रोक्सीमेटली 140, मोर देन 140 अगर दुनिया में किसी देश के मित्र देश हैं, तो भारत के दुनिया में सर्वाधिक मित्र हैं। इसलिए कूटनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान को यहाँ लाकर खड़ा कर। दूसरी बात, चीन ने कहा, उसने 5 धमकियां अभी तक दी हैं भारत को। पहली धमकी दी, देखो अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो अंजाम बुरा होगा। दूसरी धमकी दी कि आप डोकलम में और पाकिस्तान के आतंकवाद के विरुद्ध खड़े होकर चीन में हस्ताक्षर कर रहे हैं। तीसरा कहा युद्ध हो सकता है। चौथा कहा रिश्ते बिगड़ गए हैं, जैसे बड़ा लव अफेयर चल रहा था जो बिगड़ गया है। और पांचवा कहा उसने नहीं तो फिर हमें छोटा युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा। कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद चीन चला जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा दलाई लामा का सम्मान नहीं करो। भारत ने दलाई लामा का सम्मान में सम्मान कर दिया। उन्होंने कहा अब हमारे नामकरण करो, हिमालय के नाम बदले, चीन से नाम रखे। भारत ने 1 स्ट्रोक में रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा रॉ मटेरियल भेजिए। भारत ने स्टील का रॉ मटेरियल, कपड़े का यार्न रॉ मटेरियल, ये बंद करके ड्यूटी बढ़ा दी। इसलिए वहां पर संकट खड़ा है। चीन के कुछ व्यापारिक संस्थान चलेंगे कि डूब जाएंगे। हमने सीमा पर 1 लाख से अधिक सेना बढ़ा दी कि अगर चीन के आ रहे तो हम अंदर घुसकर भी जवाब देंगे। उसने सोचा दक्षिणी सागर में घुस जाए, हमने दुनिया के 13 देशों को और निमंत्रण दिया। चीन दक्षिणी सागर में दम घुट रहा है, भारत प्लस 12 कंट्रीज के बेड़े आज दक्षिणी सागर में घूम रहे हैं। उसने कोशिश की और कोशिश करते हुए कहा कि इसमें क्या नाम है, हम माल सप्लाई रोक देंगे। हमने रोक दी, नो प्रॉब्लम दोस्त। एक बात ध्यान रखिए, आपके हैदराबाद के चीनी माल के कारण हिंदू मुस्लिम मिलाकर 1,46,000 लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। इन योर हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में 3 करोड़ है, क्योंकि उनका बनाया हुआ माल मैं और आप खरीदते नहीं और चीनी माल को खरीदते हैं। वतन के, अपनी ही जात के, अपनी ही जुबान के ऐसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में बना दिए जिनका तन ढकने का कपड़ा नहीं है, भूख में खाने के लिए रोटी नहीं। वी आर एनिमी टू अवर पीपल, बिकेम एनिमी टू अवर पीपल। अगर चीन का माल रुक जाएगा तो हमारे ये 3 करोड़ लोग हिंदुस्तान के सब क्लोज हो जाएंगे। तो इसलिए उसने डोकलम में सेना घुसा ताकि नेपाल को, भूटान को कुचलते हुए भारत में घुसा बिठाई। भारत ने होशियारी दिखाई, भूटान के साथ मिलकर अपनी सेना बिठा दी। वो रोज धमकी देता है, सेना हटाओ हटाओ हटाओ। तो चीन का हाल क्या है, सेठ के पास नौकरी करने वाले कर्मचारी का तनख्वाह बढ़ा, नहीं तो तनख्वाह बढ़ा, नहीं तो आखिर में कहता है नहीं बढ़ाएगा तो फिर इतने में काम करोगा। तो चीन जो है धमकी दे रहा है पर वो डोकलम में घुस ही नहीं सका। दक्षिणी सागर के अंदर भारत सरकार ने उसको आइसोलेट कर दिया सिंगल, और डोकलम में उसको घुसने ही नहीं दिया। इसलिए धमकी दे रहा हटाओ हटाओ हटाओ। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वेयर ग्लेशियर है, हिमालय, उसकी सब नदियों पर कब्जा करके चीन उन पर डैम बनाकर दुनिया के 20 देशों को गुलाम बनाने के लिए कोशिश में लगा। हमने उसको सिंधु पर डैम नहीं बनाने दी, गंगा पर डैम नहीं बनाने थे। उसने कोशिश की ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाने दे तो बनाए, उसको रोक दिया। परंतु जो छोटी नदियां भारत की तरफ आती, भारत में होता जो तिब्बत से लाओस जाती हैं, म्यांमा जाती हैं, अफगानिस्तान जाती हैं, उन पर चीन डैम बनाकर कब्जा करना चाहता। तो इसलिए ये चीन का जो राक्षस है, भारत सरकार ने फैसला कर लिया है, वी वोंट कॉम्प्रोमाइज इंच ऑफ द मदरलैंड, वी वोंट कॉम्प्रोमाइज डेथ ऑफ एनी इंडियन। हम एक भी भारतीय की और नुकसान नहीं सहेंगे। और तीसरी बात है कि हम झुकेंगे नहीं। कहते हैं घर चलाओ समझौतों से, देश चलाओ पैट्रियोटिज्म। देश को समझौतों से चलाया गुलाम हो जाएगा, घर को अनकॉम्प्रोमाइज डिसिप्लिन से चलाया तो घर टूट जाएगा। ऑलवेज रन द फैमिली विद कॉम्प्रोमाइज बट नेवर रन द नेशन विद कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो स्लेव हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा, टूट जाएगा। अब चीन खड़ा है साथ। तो भारत सरकार ने कर लिया, देश में जागृति है। ग्रेटर नोएडा की मार्केट, वहां के लोगों ने दिवाली के लिए वहां पर पटाखे और बाकी चीजों का, मूर्तियों का ऑर्डर दिया 160 करोड़ का। राखियों पर दिल्ली के राखी बेचने वाले सामान्य जनों ने, अमीर जन थे, उनके पास से चीन की राखियां खरीदने का 109 करोड़ का ऑर्डर था। उन्होंने टोटल विद्रा कर दिया कि हिंदुस्तानी के हाथ की ही राखी खरीदी जाएगी और बेची जाएगी। देश के अंदर बच्चे जो है देखने लगे हैं चीनी मोबाइल है कि हिंदुस्तानी मोबाइल है, चीनी माल नो। अब भारत सरकार पाकिस्तान के सामने खड़ी है, युद्ध से तो हम युद्ध से प्यार है, दोस्ती से तो हम दोस्ती से प्यार है, टूटने से तो पाकिस्तान टूटने की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए टूटेगा और बिखरेगा। पाकिस्तान की बहुत लंबी उम्र नहीं, 70-78 साल की उम्र है, 70 हो गए। तो अगर मैंने आपसे एक संकल्प कराया, जो आप में से 70 साल के ऊपर के हैं, which belongs to more than 70 years, वो जरा हाथ खड़ा करना। कोई नहीं है 70 वर्ष के ऊपर, तो इसलिए कोई इतना बुजुर्ग नहीं है, सब उससे छोटे बुजुर्ग। इसका मतलब है कि सबके सब खंडित भारत में जन्मे, क्यों ठीक है कि नहीं? इसलिए ब्रेकिंग भारत में जन्मे, अखंड भारत में नहीं जन्मे। अगर मैंने कहा कि आपकी इच्छा क्या है, खंडित भारत में मरना कि अखंड भारत में मरना, तो आपका नारा क्या है? पक्का। तो अगर मैंने कहा जन्मे खंडित भारत में, तो आपने कहा मरेंगे अखंड भारत में। चलेगा ये कॉम्प्रोमाइज, ये वायदा चलेगा? फिल्म का गाना है, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, प्यार किया है तो मानना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? तो मैं कहूँगा जन्मे खंडित भारत में, आप करेंगे मरेंगे अखंड भारत में। इट इज अपील टू ऑलमाइटी गॉड से ही हमारी प्रार्थना, ठीक है? चलो, जन्मे खंडित भारत में, जन्मे खंडित भारत में, जन्मे खंडित भारत में। हो सकता है आप सोचते होंगे कि अगर पाकिस्तान को 50-100 साल और मिले तो भगवान इतनी देर को जिंदा रखेगा नहीं। हम अपील करते गए, या तो हमारी उम्र बढ़ाएगा या पाकिस्तान की घटाएगा, कुछ तो होगा, पर हमारी प्रार्थना नाजायज नहीं होगी, ये फलेगी। जन्म में हम खंडित भारत में चाहते हैं, मरे अखंड भारत। इट शुड बी अवर स्लोगन, इट शुड बी अवर फ्लैक्स। अब दूसरा है चीन। तो देश की सरकार ने तो फैसला कर लिया, इसलिए वो आ गई। अब मैं और आप क्या करें इस चीन जैसी राक्षसी ताकत से लड़ने? तो इसके छोटे फार्मूले बताऊं। बापू ने देश को क्या कहा था आजादी के लिए? चरखा चलाओ सूत काटो आजादी मिले, ठीक है? सावरकर ने क्या कहा था? विदेशी माल की होली जलाओ आजादी मिले। विवेकानंद, दयानंद आदि ने क्या कहा था? समाज सुधार करो, छुआछूत मिटाओ, आजादी मिलेगी। सुभाष ने कहा जय हिंद बोल जाओ, आजादी मिलेगी। तिलक ने और बाकी नेताओं ने कहा कि देखो अपना गणपति उत्सव मनाओ, त्योहार मनाओ, आजादी मिलेगी। 5200 साल पहले कंस के खिलाफ कृष्ण ने कौन सा नारा लगाया? सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, कि कंस को दूध दही घी मक्खन नहीं बेचेंगे, कंस कमजोर हो जाएगा। कंस के पास कोई फरियाद नहीं लेकर जाएंगे न्याय की, सोशल बाइकआउट से कंस मर जाएगा। ये नारा लगाकर उन्होंने सोशल बाइकआउट किया। जब कंस बहुत कमजोर हो गया, जनता ही उसके खिलाफ हो गई, तो उसको मार दिया, खत्म हो गया। ऐसे ही नारा दिया था सुभाष ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दे दूं। सुभाष ने ये नारा नहीं दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें रोटी कपड़ा मकान शिक्षा रोजगार दूंगा। उन्होंने कहा गारंटी हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान का नारा नहीं दिया। रोटी कपड़ा मकान तो आदमी मेहनत से कमाता है, पर आजादी मेहनत से नहीं मिलती, बलिदान से। और इसलिए जनता ने एक आंदोलन चलाया, आप में से भी उसके आंदोलन के हिस्सेदार हो गए। उसकी दो कस्में हैं। पहली कसम है रोज की इबादत में और पूजा में और अपने बड़े त्योहारों में चीनी माल नो नो नो, हिंदुस्तानी माल यस यस यस। चीनी माल का उपयोग नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी माल का। तो इसलिए चीनी माल तलाक तलाक तलाक, हिंदुस्तानी माल प्यार प्यार प्यार। be a movement by all of us. तो नारा लगाएंगे, मैं कहूँगा चीनी माल नो नो नो, आप कहेंगे हिंदुस्तानी माल यस यस यस, ठीक है? बुलंद आवाज में आना करें, चीनी माल नो नो नो। तलाक और प्यार जल्दी समझ जाएंगे। मैं कहूँगा चीनी माल तलाक तलाक तलाक, आपने कहना हिंदुस्तानी माल प्यार प्यार प्यार। चीनी माल तलाक तलाक तलाक, देखो बीवी को तलाक किया तो जन्नू मिलेगा और चीनी माल को प्यार किया तो गुलामी आ जाएगी। इसलिए मामला सीधा सीधा, तलाक बीवी से नहीं, चीनी माल से। तो इसको करना और इसको इस ग्रंथ में पहुंचाना। अगर चीन को 2-4-5 लाख करोड़ का झटका लग गया, चीन की कमर टूट जाएगी। आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने चीनी माल का बहिष्कार किया, 3 साल के बाद चीन के एक्सपर्ट हैदराबाद में आएंगे और आपके सामने कटोरा लेकर खड़े होंगे और कहेंगे दे दाता के नाम अल्लाह तुझको। उनके हाथ में भीख का कटोरा होगा। ये हिंदुस्तान के 126 करोड़ लोगों की ताकत। और इसी के साथ साथ मैं एक शब्द में वाक्य दोहराऊंगा, भाषण को समाप्त करूंगा। मैं कहूँगा हे मालिक, आपने बोलना पीछे, हे मालिक पीओके कश्मीर कैलाश मानसरोवर तिब्बत संपूर्ण हिमालय चीनी क्रूरता पाकिस्तानी आतंक से मुक्त हो, मुक्त हो। फिर जो भी आपका मंत्र है, अगर आप वो इस्लाम मतावलंबी है तो बोलना अल्लाह इला इला सुभानता इन्हीं में या अल्लाह। आप जैन है तो ओम नमो हरिता, सनातनी ओम नमो शिवाय ओम नमो नारायण, बुद्धिस्ट है ओम माने पद में हो। जिस भी धर्म मजहब के हैं उसके मंत्र को 5 बार बोलना। हम एक हो जाएंगे, जात पर नहीं लड़ेंगे, जुबान पर नहीं लड़ेंगे, मजहब पर नहीं लड़ेंगे और देश ताकतवर होगा, चीन निपट जाएगा। इसलिए पाकिस्तान को बिखरना है और हिंदुस्तान में विलय होना। चीन को उसकी 4 दीवारी के अंदर उसकी कट्टरता को, साम्राज्यवाद को स्थापित करना। संकट बहुत बड़ा है परंतु निराकरण बहुत मुश्किल है। कितना भी ताकतवर आदमी हो, किसी छोटी सी बात में उसकी जान हो। इसलिए जनता आर्थिक रूप से कमर तोड़ेगी, सरकार राजनीतिक दृष्टि और व्यापारिक दृष्टि से उसको कमजोर करेगी और चीन को एक दिन हिंदुस्तान के सामने झुकना ही होगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, सब झुकना चाहिए। शांति से रास्ता निकला है तो बहुत अच्छा युद्ध ना करना। तो इसलिए पाकिस्तान को बिखरना है, चीन को झुकना है। मैंने और आपने इस संकल्प के साथ जन जागरण करना है और इसलिए आप एक, आपके द्वारा 1000 मल्टीप्लीकेशन 1000 का जागरण होना है। जो कहते हैं 1 × 1 1000, इस जागरण को हम चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध इतने मल्टीप्लिकेशन से बढ़ाएंगे, वो हाथ खड़ा करेंगे।